अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स, मैं हूँ सनम नवाज और आप देख रहे हैं ईसाइंस स्कूल चैनल। जैसा कि आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट ने जो PST और JEST की जॉब्स अनाउंस की हैं, इस सिलसिले में हम अपने कैंडिडेट्स को केमिस्ट्री की तैयारी करवा रहे हैं और आज हम केमिस्ट्री का इंतहाई अहम टॉपिक कवर करेंगे जो कि है हाउ टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। आज हम पढ़ेंगे कि कैलकुलेशन जो है वो मोलर मास की किसी भी सब्सटेंस में किस तरह की जाती है, और इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि मोलर मास जो है उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, मोलर मास की डेफिनेशन क्या है। तो मोलर मास को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस इन ग्राम्स ऑफ ऑल द एटम इन अ कंपाउंड। यानी एक कंपाउंड में जितने भी एटम्स मौजूद हैं, जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, उनके एटॉमिक मासेस को अगर आप सम अप करेंगे तो वो आपको क्या देगा, उस कंपाउंड का मोलर मास मगर इन ग्राम्स। फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हैं, तो इन सब के एटम के एटॉमिक मासेस को हम सम अप करेंगे तो वो क्या बनेगा, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का मोलर मास। यहाँ मैंने आपको चंद मिसालों के साथ आपको समझाऊंगी कि किस तरह मुख्तलिफ कंपाउंड्स या मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स का जो है मोलर मास कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ आपको समझाऊंगी कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल, कि वाटर मॉलिक्यूल का मोलर मास जो है वो किस तरह मालूम किया जाता है। देखें, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो है 1, और यहाँ हाइड्रोजन एटम जो है वो कितने हैं, 2। तो हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ ऑक्सीजन के एटम जो है वो कितने हैं, 1 है, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है 16। तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2, और यहाँ होंगे 16। जब हम 16 और 2 को प्लस करेंगे तो ये बनेगा 18 ग्राम्स पर मोल। यानी वाटर के एक मोल में, वाटर मॉलिक्यूल के एक मोल में कितने ग्राम्स मौजूद होते हैं, 18 ग्राम्स पर मोल। एक और मिसाल लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड के मोलर मास को किस तरह कैलकुलेट करेंगे, देखें हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास जो है वो क्या है, 1, और यहाँ हाइड्रोजन एटम कितनी तादाद में मौजूद हैं, 3। तो हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फॉस्फोरस जो है वो 1 है, और फॉस्फोरस का जो एटॉमिक मास है वो है 30.9, प्लस ऑक्सीजन जो है यहाँ 4 मौजूद है, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है 16। तो हम क्या करेंगे, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिज़ल्ट आएगा उसको सब को जो है वो प्लस करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 97.9। अब देखें, 2 + 32 + 64 = 98 ग्राम्स। यानी 97.9 जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या बनेगा, 98 ग्राम्स पर मोल है सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास। एक और मिसाल लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का जो मोलर मास है वो किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे, कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो है 12, और यहाँ कार्बन जो है वो 6 मौजूद हैं, तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक मास है वो है 1, और हाइड्रोजन जो है वो 12 हैं, तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है 16, और ऑक्सीजन जो है यहाँ 6 मौजूद हैं, तो 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें, 12 + 6 = 72 + 12 + 96, इन सब को जब हम सम अप करेंगे तो इनका आंसर आएगा 180 ग्राम्स पर मोल। 180 ग्राम्स पर मोल यानी ग्लूकोज का जो मोलर मास है, 1 मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का है उसका मोलर मास कितना है, 180 ग्राम्स पर मोल। कैंडिडेट, ये थे चंद मिसाल जिनको लेके मैंने आज आपको क्लियर करवाया कि हाउ टू कैलकुलेट द मोलर मास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।